फिल्म अभिनेता कबीर बेदी का 16 जनवरी को जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको बता देते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। कबीर ने जितना नाम फिल्मों से कमाया उससे कहीं अधिक अपने व्यक्तिगत जीवन से कमाया। 1970 के दशक का एक जगमगाता सितारा है कबीर बेदी। ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने रियल लाइफ को रियल लाइफ की तरह जिया। अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता कबीर बेदी ने अपनी जिंदगी को मनचाहे तरीके से जिया। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में भी नाम कमाया। वे ऐसे चुनिंदा अभिनेताओं में शुमार रहे हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और शोहरत हासिल की। उन्होंने फिल्मों, रंगमंच और टेलीविजन की दुनिया में भी अद्भुत कारनामों के जलवे बिखेरे हैं। वे 1970 के दशक के जाने माने कलाकारों में से हैं। कबीर बेदी ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। कबीर ने 4 बार शादी की और अपनी बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ कई महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके चलते उनके कई लव अफेयर भी चर्चाओं में रहे। अभिनेता कबीर बेदी के करियर की शुरुआत ओपी रहलन की हलचल से हुई, लेकिन उन्हें पश्चिमी देशों में नाम और शोहरत यूरोप के मशहूर मिनी सीरीज सैंडोकन में काम करने के बाद मिली। कबीर ने बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोप्सी में मुख्य खलनायक का किरदार निभाया। इसके साथ ही कबीर ने मशहूर टीवी शो ओपेरा में भी काम किया। कबीर बेदी का करियर और जिंदगी हमेशा ही भारतीय शैली से अलग ही रहा है। कबीर बेदी भारत के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर तहलका और द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित भारतीय प्रशासनों के लिए एक नियमित योगदान करता रहे हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टेलीविजन पर भी इन विषयों पर चर्चा करते हुए देखा जा चुका है। कबीर बेदी ने अपने जीवन में कई पुरस्कार और उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी कई प्रशंसक हैं। उन्होंने भारत और यूरोप में फिल्मों और विज्ञापन के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। साल 1988 के बाद कबीर मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के प्रतिष्ठित अकादमी के सदस्य बने। ये संस्था ऑस्कर पुरस्कार पेश करने की जिम्मेदारी उठाती है।